हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। क्वेश्चन नंबर 25, चैप्टर नंबर 24, एससी वर्मा। एन एयर बबल ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर इज फॉर्मड एट द बॉटम ऑफ द 3.3 मीटर डीप रिवर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द बबल एज इट कम टू द सरफेस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10^5 पास्कल एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000 kg/m³। हेलो गाइस, आई एम मेंटर अनुराग। तो बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की। तो इस क्वेश्चन में एक सिचुएशन गिवन है कि एक रिवर है, रिवर के दैट विल बी नीचे, यहाँ कितना नीचे, 3.3 मीटर नीचे एक बबल है, ठीक है। उस बबल ने सस्टेन किया हुआ है, कौन सा बबल है, एयर बबल, ठीक है। तो एक तो क्या है, इसके ऊपर कुछ प्रेशर लगेगा। किसकी प्रेशर, लिक्विड प्रेशर, और ऊपर कौन है, एटमॉस्फेयर। तो कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेयर पर। दो तरह के प्रेशर ये सस्टेन कर रहा है, ठीक है। तो इतना प्रेशर तो कम से कम इसके अंदर है ही, ठीक है। कितना प्रेशर इसके अंदर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, ठीक है। तो इसके पास फर्स्ट सिचुएशन ये है कि इसके प्रेशर कितना है, कम से कम इतना तो है, ठीक है। तो पी ए कितना होता है, 10^5, कितना नहीं होता ये दिया हुआ है, ठीक है। 10^5 पास्कल रो जी एच, ठीक है। प्रेशर बाय लिक्विड कॉलम कितना हुआ, डेंसिटी कौन है, पानी की डेंसिटी 1000 kg/m³। 10 की वैल्यू, जी की वैल्यू 10, एच 3.3 मीटर, ठीक है। ये 10^5 हो गया प्लस 10^4 मल्टीप्लाई 3.3, इसको 10^5 बना लूँ तो ये हो जाएगा 0.33 10^5। 5 कॉमन लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.33, ठीक है। तो ये हो गया 1.33 10^5 पास्कल, ठीक है। कब, जब बबल का है अंदर, तो उसके अंदर प्रेशर कितना है, दैट विल बी P1, इतना तो है, सही है, ओके। अब बात करते हैं दूसरी सिचुएशन के अंदर। दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ, बबल कहाँ पे आ गया, सरफेस के ऊपर। सरफेस के ऊपर आने का मतलब क्या है, लिक्विड कॉलम जीरो, एच की हाइट कितनी, एच कितना हो गया जीरो, तो सिर्फ कितना रह गया, तो दूसरी सिचुएशन में प्रेशर कितना रह गया, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब सिंपल सी बात है, पहले वो क्या था, प्रेशर कितना था, सिर्फ इतना, ये क्या है, ज़्यादा प्रेशर है। अब प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, कितना हो गया, 10^5 पास्कल, ठीक है। प्रेशर कितना हो गया, कम, ठीक है। अब क्या करने वाला है, वो एक्सपेंड करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो लेट बी, क्या होने वाला है कि वो एक्सपेंड करता है या नहीं करता, वो चेक इट आउट कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से, सिचुएशन क्या है, पहला प्रेशर इतना, फिर प्रेशर इतना, तो वॉल्यूम पे क्या फर्क आने वाला है, ठीक है। तो दैट इज द क्वेश्चन। तो करके देखते हैं क्या बनने वाला है। पी वन वी वन बाय टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू बाय टी टू, क्योंकि मैंने गैस तो निकाली नहीं है, एयर बबल में से जितनी पहले थी उतनी ही है, तो एन भी कॉन्स्टेंट, आर भी कॉन्स्टेंट, तो पी वन वी वन बाय टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू बाय टी टू, ठीक है। पानी का टेम्परेचर भी नहीं बदला, कोई डिस्कशन नहीं हुआ इस बात को लेके, तो टी वन को भी कैंसिल आउट कर लेते हैं, क्या मान लेते हैं, टेम्परेचर क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो टी वन इज इक्वल टू टी टू मान लिया। अब बना क्या, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। पी वन कितना है मेरे पास, 1.33 10^5, ठीक है। बबल स्फेरिकल शेप में होगा, ठीक है, तो वो स्फेरिकल शेप का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³ इज इक्वल टू, पी टू कितना है, सिर्फ 10^5, और दैट विल बी कितना होने वाला है, ये 4/3 πr²। ये आर टू हमें निकालना है, 10^5 से 10^5 कट, 4/3 से 4/3 कट, पाई से पाई कट, ठीक है। आर, आर रेडियस कितना गिवन है, 2 मिलीमीटर गिवन है, उसको मीटर में करूँगा तो 10^-3 लगेगा, और 8 × 10^-9 आ गया, क्या करके, क्यूब करके, ठीक है। इधर क्या रह गया, आर टू का क्यूब, सही है। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो दैट विल बी 24, 24, 24, 6, 10.64 10^-9 इज इक्वल टू आर टू का क्यूब, ठीक है। क्यूब रूट बोथ साइड, तो क्या होने वाला है इसका, 10^-3 बाहर, 10.64 किसके आसपास है, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, तो ये 2 के बहुत पास है, 2.2 दैट विल बी 484, दैट विल बी इसका हो गया 4 × 2, ठीक है। तो ये अप्रोक्स बन जाएगा 2.2 का क्यूब रूट, ठीक है।
और ये आ गया मेरे पास आर टू, तो ये हो गया मेरे पास 2.2 10 की पावर माइनस 3 आर टू, सही है। ओके किस में निकाला मैंने इसको, मीटर में, तो ये क्या है मीटर, मिलीमीटर में चाहिए, तो 2.2 मिलीमीटर ये आंसर आ गया मेरा, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या हुआ, प्रेशर क्या हो चुका है, सॉरी वॉल्यूम क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। पहले उसको प्रेशर ने क्या किया हुआ था, कंप्रेस ज्यादा किया हुआ था, ठीक है, तो उसके चक्कर में अंदर भी प्रेशर क्या हो गया, दैट विल बी कंप्रेशन हो गया, कंप्रेशन होने से क्या हुआ वो क्या हो गया, वॉल्यूम उसका कम हो गया। उसके बाद बाहर से प्रेशर हटा तो क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, दैट इज द सीन, कितना एक्सपेंड हुआ 2.2 मीटर, ठीक है, और पहले कितना था 2 मिलीमीटर, तो आपको ऑब्वियसली दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ ही है, ठीक है, बबल बाहर आके क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। तो दैट इज द सिचुएशन, फिर भी कोई डाउट है यू कैन आस्क एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।